तो हम लोग देखते हैं भगवान श्री कृष्ण के 64 गुण रूप गोस्वामी पाद और फिर सामने सिंधु ग्रंथ में वर्णन करते हैं। तो हम लोग देख रहे थे भगवान श्री कृष्ण की 51 to 55 क्वालिटीज। तो एक गुण है भगवान का सच्चिदानंद विग्रह। भगवान के जो रूप है उस साधारण रूप नहीं है हम लोग के जैसे, पंचभूत से बना हुआ, वायु आकाश जल पृथ्वी अग्नि मन बुद्धि अहंकार और खून हड्डी मांस इत्यादि से बना हुआ भगवान का रूप, भगवान का कलेवर नहीं है, भगवान दिव्य रूप वाले हैं, दिव्य रूप है। इसलिए भगवान को कभी कभी निराकार भी कहते हैं। निराकार कहने का मतलब है कि भगवान का हम लोगों के जैसा, साधारण मनुष्यों के जैसा भौतिक रूप भौतिक आकार नहीं है, भगवान दिव्य देहधारी है। दिव्य जैसे सभी मनुष्यों का या सभी देहधारियों का, सभी लिविंग एंटिटीज का जो रूप होता है, जो फॉर्म होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे हमारा हम लोग दो शरीर धारण करते हैं, हम लोग आत्मा है, आत्मा के ऊपर हम लोग दो कपड़े पहनते हैं, एक सूक्ष्म शरीर का मन बुद्धि अहंकार जो होता है, और उसके ऊपर स्थूल शरीर वायु आकाश जल पृथ्वी अग्नि से बना हुआ जो बाहरी शरीर दिखता है, उसका हम दो आवरण ढके रहते हैं। तो हमारा जब मृत्यु होता है तो हमारा स्थूल शरीर मर जाता है और आत्मा शरीर छोड़ के नए शरीर में चली जाती है, आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर भी चला जाता है। तो सूक्ष्म शरीर छूटता नहीं जल्दी, लेकिन भगवान कृष्ण के साथ क्या है, भगवान कृष्ण का जो स्थूल शरीर है वही भगवान कृष्ण का सूक्ष्म शरीर है, वही भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण के ग्रॉस बॉडी शटल बॉडी और भगवान श्री कृष्ण खुद में, इन तीनों में कोई भी अंतर नहीं होता है। साल आर वन एंड आइडेंटिकल, सब कुछ एक ही है। हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे आत्मा में डिफरेंस होता है, तीनों अलग अलग होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के शरीर में, भगवान श्री कृष्ण के मन में और भगवान श्री कृष्ण की आत्मा में, इन तीनों में कोई भी अंतर नहीं है। हम लोग के शरीर अलग है, मन अलग है, आत्मा अलग है, भगवान श्री कृष्ण के शरीर मन आत्मा में कोई भी अंतर नहीं है। तो मनुष्य लोगों को, साधारण मनुष्य को, साधारण मनुष्य जो होते हैं, साधारण मनुष्य जब तक उनका जन्म मृत्यु होता रहता है, जब तक वो अपने मन को प्यूरिफाई न कर ले, जब तक मन में एक भी भौतिक इच्छा रह गई, तब तक उस भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। और भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान भी बार बार अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन देखो परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। भगवान आप भी कोई भौतिक इच्छा की वजह से नहीं आ रहे कि भगवान ने कभी सपना देखा था वो इस लास्ट जन्म में तो मैं गरीब था, तो अगले जन्म में काश मैं अमेरिका में पैदा हुआ होता बहुत अच्छा हुआ होता। तो भगवान को क्योंकि अमेरिका में रहने का इच्छा था इसलिए भगवान का अमेरिका में एक जन्म हुआ, ऐसा भगवान के साथ नहीं होता है। भगवान वो पहले तो कोई भौतिक इच्छा नहीं होता है, और भगवान का शरीर मन आत्मा कोई अंतर नहीं है। जैसे हमारे मन इच्छा करता रहता है तो शरीर का तो एक पार्टिकुलर फिक्स टाइम होता है कि सतयुग में 1 लाख वर्ष तक जिएगा, त्रेतायुग में 10,000 वर्षों तक जिएगा, द्वापर युग में 1,000 वर्षों तक जिएगा और कलयुग में 100 वर्षों तक जिएगा। अब कलयुग में 100 भी धीरे धीरे घट के कम हो गया है, 50, 60, 70 इसमें ही लोग शरीर छूट जाता है कलयुग में लोगों का। तो अब नया जन्म कैसे होता है कि इच्छा क्या किया है और कर्म क्या किया है, जैसा इच्छा है वैसे जैसा कर्म है उसके अकॉर्डिंग मनुष्य लोगों को एक नया शरीर मिल जाता है, न्यू बॉडी, दे गेट न्यू बॉडी। तो भगवान कृष्ण के साथ ऐसा नहीं होता, भगवान कृष्ण का पहले तो भौतिक शरीर है नहीं कि जो मरेगा, तो भगवान श्री कृष्ण का मन वो भी भौतिक नहीं है कि कोई भौतिक इच्छा करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण का शरीर मन और कृष्ण की आत्मा ये तीनों एक ही है, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए उनका बार बार जन्म होना बार बार मृत्यु होना है ही नहीं कृष्ण के साथ। फिर हम लोग के साथ ऐसा है, हम लोग का बार बार जन्म हो रहा है बार बार मृत्यु हो रहा है क्योंकि हम लोग का मन भौतिक इच्छा कर रहा है, मन भौतिक इच्छा कर रहा है। तो
जब तक हम 100% प्योर डिवोटी नहीं बन जाते भगवान श्री कृष्ण के, 100% प्योर डिवोटी जब तक नहीं बनते, तब तक ये भौतिक संसार में हमारा आवागमन, हमारा चक्कर लगातार चलता ही रहता है। एवरी टाइम मेटेरियल वर्ल्ड में हमारा चक्कर चलता रहता है। मेटेरियल वर्ल्ड में हम घूमते रहते हैं, बारम्बार 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 घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो प्योर डिवोटी जब बन जाएंगे, धीरे 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 हमारी इच्छाओं को हम शिफ्ट करना शुरू करते हैं, हम कृष्ण के लिए सोचना शुरू करते हैं। ओके, दिस इज फॉर कृष्ण, ये कृष्ण के लिए करूंगा मैं। जैसे बहुत बड़ी इच्छा है खाना खाना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, भक्त लोग क्या इच्छा करता है, ओके मैं कृष्ण को भोग लगा के कृष्ण प्रसाद खाऊंगा। आई एम नॉट ईटिंग, आई एम ईटिंग कृष्ण प्रसाद, आई विल फीड कृष्णा फर्स्ट, मैं कृष्ण को पहले खिलाऊंगा। तो खाने की इच्छा शिफ्ट हो गई, ठीक है। देन पैसा कमाने की इच्छा, ओके मैं बहुत अच्छा जॉब करूंगा, बहुत अच्छा कमाऊंगा, लेकिन कृष्ण के लिए कमाऊंगा। तो उनका जॉब करने का, पैसे कमाने का इच्छा वो कृष्ण में शिफ्ट हो गया, तो ठीक है, इतना टाइम कृष्ण में डिवोट हो गया। मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा, ओके कृष्ण के लिए करूंगा, लेकिन पढ़ाई की इच्छा कृष्ण में लग गई। मैं बहुत अच्छा फैमिली लाइफ सेटल करूंगा, बहुत अच्छी वाइफ लाऊंगा, बहुत अच्छा हस्बैंड लाऊंगा, बहुत अच्छे बच्चे, ओबीडियंट बच्चे पैदा करूंगा, ठीक है, बट कृष्ण के लिए करूंगा। डिवोटी वाइफ, भक्त लड़की से शादी करूंगा, भक्त बच्चे जो पैदा होंगे उन्हें भक्त बनाऊंगा। तो इस प्रकार से अगर हम हमारी इच्छा को कृष्णा में धीरे 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 समर्पित करते जाते हैं, 10%, 20%, 30%, 40%, धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं। भक्त लोग हमको बताते रहते हैं कि ठीक है आपने घूमना है आपको, चलो आप शिमला, मनाली और स्विट्जरलैंड इन सब जगह मत जाओ, आप वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, मायापुर जाओ, ठीक है। घूमने की इच्छा शिफ्ट हो गई, घर पे पार्टी कराना है, बर्थडे आया, एनिवर्सरी आया, तो भौतिक पार्टी ना करा के भक्तों को पार्टी कराओ, भक्त लोग को इन्वाइट करो, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कराओ और कृष्ण की कथा कराओ। इस प्रकार से धीरे धीरे ना, एक सुंदर प्रभुपाद जी की कृपा है, प्रभुपाद जी ने इतना ब्यूटीफुल डिजाइन किया है कि एक बार हम भक्ति में आ जाते हैं ना, तो धीरे 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 कृष्णा अपना एक्सपेंशन करते हैं हमारे जीवन में। जैसे कृष्णा मतलब एक्सपेंशन, कृष्ण जहां भी रहेंगे ना अपना एक्सपेंशन करेंगे। जैसे मायापुर में जब प्रभुपाद जी बिल्डिंग बना रहे थे, तो वहां पे कई सारी बिल्डिंग है, तो स्टार्टिंग में तो एक भी एक बिल्डिंग था जब प्रभुपाद जी आए थे, तो ग्राउंड फ्लोर ही बना था वो बिल्डिंग, फिर फर्स्ट फ्लोर बना धीरे से, तो सारे भक्त, बहुत सारे भक्त हो गए प्रभुपाद जी के, शिष्य लोग पूरे संसार से। तो प्रभुपाद जी सब कुछ लेके आते हैं मायापुर, सारे शिष्य को शाम में प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे। सब शिष्यों से प्रभुपाद जी ने पूछा, आप लोग खुश है यहाँ पर, आप लोग को अच्छा लग रहा है, रहने में कोई कमी तो नहीं है? तो क्योंकि बड़ा बिल्डिंग था, उसका नाम ही था बिग बिल्डिंग। तो सब भक्तों ने बोला, प्रभुपाद बहुत जगह है, बहुत जगह है, और इतना बड़ा जगह है कि इसमें अब तो हम लोग उतने है ही नहीं। तो प्रभुपाद जी बोले, अभी नहीं हो ना, अभी बहुत सारे लोग हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो प्रभुपाद जी के जाने के बाद वो बिल्डिंग और बड़ा हो गया है ना, कितने फ्लोर हो गए उसके ऊपर, अब वो देख, और इतनी सारी अदर बिल्डिंग बढ़ गई, और सारे अभी देखते हैं मायापुर वगैरह में, फेस्टिवल वगैरह में सारे बिल्डिंग ओवरबुक होते हैं, उसमें जगह ही नहीं होता। तो प्रभुपाद जी ने बोला था उस समय कि अभी तो कम पड़ेगा, बिल्डिंग बहुत बहुत हो जाएंगे, क्योंकि जहां पर कृष्ण होते हैं, कृष्ण का एक नेचर होता है कि कृष्ण अपना एक्सपेंशन करते हैं, कृष्णा मीन्स एक्सपेंशन, कृष्णा मीन्स एक्सपेंशन, जहाँ कृष्ण होंगे कृष्ण अपने आप को बढ़ाएंगे, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। जैसे सुंदर एक स्टोरी आती है मत्स्य अवतार की, वो मत्स्य अवतार किस प्रकार से जब भक्त राजा को मिले, छोटी सी मछली, राजा गए थे वो नदी में स्नान करने और भगवान को जल अर्पण कर रहे थे, मछली बोलती है, अरे राजा मुझे बचाओ, राजा मुझे बचाओ। राजा बोलते, कौन बोल रहा है? तो बोलते हैं, मैं मछली, मुझे डर लग रहा है, मैं छोटी सी हूँ, देखो मुझे बड़े मछलियों से डर लगता है, बड़ी मछली मुझे खा जाएगी, मैं आपके शरण में हूँ राजा, आप शरणागत की रक्षा करो। तो राजा बोलते हैं, चिंता मत करो, मैं शरणागत की रक्षा करता हूँ, आपके यहाँ से डर लग रहा है तो मैं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें सुरक्षित अपने महल में ले चलूंगा। राजा अपने अंजुल में पानी लेके, उस मछली आ जाती है, तुरंत महल में ले जाके एक छोटे से पात्र में मछली को रख देते हैं। जैसे छोटे से पात्र में मछली को रखते हैं, तो मछली
तुरंत बढ़ जाती है, पात्र पूरा भरने लगता है। राजा को, राजा मुझे बचाओ, राजा मुझे बचाओ, पात्र छोटा पड़ रहा है, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, ऐसे कह के। फिर राजा बोलते, अरे इतना जल्दी कैसे बड़ा हो गए तुम? तो उसके बाद फिर उसको बड़े पात्र में छोड़ते हैं, वो बड़े पात्र में ऐसे छोड़ते, बोले ठीक है अब यहाँ आराम से रहो। तो फिर मछली बड़ी हुई जल्दी से, राजा को बोलती, राजा मुझे बचाओ, राजा मुझे बचाओ, मेरे पात्र छोटा पड़ रहा है। और बड़े पात्र लाते हैं, वो उसमें मछली शिफ्ट करते हैं, फिर वो मछली तुरंत बढ़ के उतनी बड़ी बड़ी पात्र को जाओ घेर लेती है। फिर राजा से बोलती, राजा मुझे बचाओ, राजा मुझे बचाओ। फिर राजा बोलते, अरे इतना बड़ा पात्र में रख दिया इसको, फिर भी कमी पड़ रहा है। तो राजा अपने महल के स्विमिंग पूल में जाते हैं, वहां पे मछली को रख देते हैं, तुरंत मछली बड़ी होकर स्विमिंग पूल के बराबर हो जाती है। फिर राजा को बोलती, राजा ये स्विमिंग पूल छोटा पड़ रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। फिर राजा उसको नदी में, जहां से लाए थे वहां पे नदी में छोड़ते हैं, तुरंत वो नदी की इतनी बड़ी हो जाती है मछली। तो राजा को बोलती, राजा मुझे बचाओ, ये नदी छोटी पड़ रही है मेरे लिए। फिर वो राजा उसको बोलती, अरे ये कैसी माया है, मतलब साधारण मछली तो नहीं है, कुछ तो जरूर है इसके अंदर। तो बोलते हैं कि कहाँ छोड़ू मैं आपको, बोले मुझे समुद्र छोड़ो, समुद्र में छोड़ तो पूरी बड़ी मछली हो जाती समुद्र के। तो फिर भगवान का दर्शन देते हैं कि वो राजा मैं साधारण मछली नहीं हूँ, मैं तो कृष्णा ही हूँ। इस प्रकार से हम देखते हैं, वेयर देयर इज कृष्णा देयर इज एक्सपेंशन, जहां पे कृष्णा होते हैं ना वहां पे एक्सपेंशन होता है, विस्तार होता है। तो ऐसे हमारे जीवन में एक बार कृष्णा इंटर कर गए तो कृष्णा हमारे जीवन में अपना विस्तार करेंगे, कृष्णा अपने हमारे जीवन में अपने आप को बढ़ाएंगे धीरे धीरे। हमने 1% हमें मंदिर नहीं जाते थे, मंदिर जाना शुरू किए, ठीक है हम बस मंदिर पे प्रणाम करते थे, देन हमने फिर प्रसाद लेना शुरू किया, देन हमने कीर्तन में बैठना शुरू किया, देन हमने कीर्तन के साथ कथा में बैठना शुरू किया, देन हमने कुछ नाम जप करना शुरू किया, देन हमने कुछ सेवा करना शुरू किया, देन हमने कुछ भक्तों को अपने घर पे इनवाइट किया। ऐसे करते 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 हमारे जीवन में कृष्णा पूरे तरीके से एड ऑन हो जाते हैं, पूरे पूरे हम कृष्णा में रस, हमें पता भी नहीं चलता कब कृष्णा अपना बड़े हो गए, कब हमारा आए थे बिल्कुल थोड़े से, और किस प्रकार से पूरा जीवन कृष्ण ने घेर लिया, हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण इतना ब्यूटीफुल हम लोगों पे कृपा कर रहे हैं ना, तो बस एक बार कैसे भी करके हम लोगों को भगवान कृष्ण को हमारे जीवनों में ऐड कर देना चाहिए, जस्ट ऐड कृष्णा इन आवर लाइफ, कृष्ण को एक बार जीवन में ऐड करना चाहिए, जस्ट ऐड कृष्णा है ना। वेयर देयर इज कृष्णा देयर इज एक्सपेंशन, जहां पे कृष्णा आ जाएंगे ना वहां पे एक्सपेंशन होता है, वहां पे लॉस कभी होगा ही नहीं कृष्ण के बिजनेस में, कि कृष्ण का बिजनेस अभी मंदा पड़ गया, कभी धीमा पड़ गया, नो नो, कृष्ण का बिजनेस मंदा छोटा नहीं पड़ने वाला, कृष्ण मतलब बढ़ना ही है कृष्ण, कृष्णा विल इंक्रीज हिमसेल्फ, कृष्ण अपने आप को हमेशा बढ़ाएंगे, हमेशा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो कल तक हमने देखा था ये जो कृष्ण है, कृष्ण से जब कोई जुड़ता है ना तभी रियल में वो आनंद पाता है, जब तक कृष्ण से कोई जुड़ा नहीं है तब तक आनंद नहीं पा सकता। तो कोई निराकार ज्योति से जुड़े, कोई परमात्मा से जुड़े, हृदय में ध्यान लगाने का प्रयास करे, तब तक उसको शांति, पूरा शांति मिल जाएगा, थोड़ा उसको थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। आनंद से जुड़ने के लिए तो उसे कृष्ण चाहिए, ये कृष्ण कितने प्यारे से है ना, कृष्ण इतना सारा लीला करते हैं, कृष्ण देखो माखन चोरी कर लेते हैं, कृष्ण गोपियों के वस्त्र चोरी कर लेते हैं, कृष्ण खेलते हैं सखाओं के साथ, कृष्ण सखाओं सखा बोलते हैं कृष्ण चलो 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 तुम हार गए हो ना, चलो तुम घोड़ा बनो, तुम्हारे ऊपर हम चढ़ेंगे और हमें हमें घुमाओ तुम, कृष्ण के कंधे पे सखा बैठ जाते हैं और कृष्ण घुमाते हैं। निराकार ब्रह्मा थोड़ी घुमा सकता है हमको, या परमात्मा थोड़ी हमको घुमा सकता है, परमात्मा तो एकदम बिल्कुल बिल्कुल बनिया है, परमात्मा तो एकदम बराबर का हिसाब किताब करता है, जितना हमने अच्छा कर्म किया खराब कर्म किया है परमात्मा उसका बराबर से हमें आदान प्रदान करता है, अच्छा कर्म का अच्छा फल देगा, खराब कर्म का खराब फल देगा, तो ये परमात्मा का हिसाब किताब है। लेकिन कृष्ण भगवान के साथ ऐसा नहीं है, कृष्ण भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, भक्त ने थोड़ा सा भी अच्छा किया है ना, थोड़ा सा सेवा किया है, तो भगवान कृष्ण बहुत दयालु हो जाते हैं उसके ऊपर, बहुत मर्सीफुल होते हैं और अपना कृपा देते हैं, क्योंकि कृष्ण
एक्चुअली सुदामा का हमने रियल नेम देखा, सुदामा ने कृष्ण को थोड़ा सा चावल दिया था, लेकिन कृष्ण ने उसके बदले में क्या दिया उसको, बिग बिग लोग, बड़ा बड़ा लोग उसको प्रदान कर दिया सुदामा जी को, ठीक है, दो लोग दे दिया, दो मुट्ठी, तीसरा लोग भी देने वाले थे, लेकिन लक्ष्मी देवी उनको रोक देती है, नहीं कृष्ण ऐसा मत करिए। तो कृष्ण इज मर्सीफुल, कृष्ण इज मर्सीफुल। तो कृष्ण का जो रूप है वो कैसा है, सच्चिदानंद विग्रह, शाश्वत है कृष्ण, ज्ञानमय है, आनंद में। एक्चुअली हम लोग का भी रूप ऐसा ही है, कृष्ण के जैसा है, हम लोग भी सच्चिदानंद विग्रह है, हम लोग को, लेकिन हम लोग ने भौतिक इच्छा करी है ना, इस वजह से हमको भौतिक शरीर धारण करना पड़ता है, लेकिन हम लोग अपनी इच्छा को प्यूरिफाई कर देंगे धीरे धीरे कर करके, प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, और 100% कृष्ण कॉन्शियस हो जाएंगे, तो फिर हमें भी हमारा भौतिक शरीर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसके लिए बोलते हैं दैट इज वाई कृष्ण डिमांडिंग, ओ माई डियर डिवोटीज, अपने मन को मुझ में लगाओ, मन को मुझ में लगाओ। ये मन ही हमारे बार 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 जन्म लेने का मरने का कारण है। जब मन में पूरे तरीके से कृष्णा हो जाएंगे ना, तो मन में कोई भौतिक इच्छा रहेगी नहीं, 100% कृष्ण वाली इच्छा रहेगी, देन वी कैन गो बैक टू होम, बैक टू गॉड इट, हम कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में हमेशा के लिए परमानेंटली जा सकते हैं, वहां पर परमानेंटली रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि ब्रह्म संहिता की इस कथन से पुष्टि होती है कि ब्रह्म तेज कृष्ण के शरीर की रश्मियां हैं, ब्रह्म तेज कृष्ण की शक्ति का प्रदर्शन मात्र है, कृष्ण ब्रह्म तेज के उद्गम है, जैसा कि उन्होंने स्वयं भगवत गीता में पुष्टि की है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परम सत्य का निराकार स्वरूप चरम परिणति नहीं है, अपितु कृष्ण परम सत्य की परिणति है। देखिए एक एक छोटा सा सूर्य है, स्मॉल सन हमारे ब्रह्मांड का, वो छोटा सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है, और ये सूर्य का अपना कोई निजी प्रकाश नहीं है, सूर्य तो बिल्कुल ब्लैंक मिरर के जैसा है। और जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, वो धूप में अगर मिरर चमकाता है, तो मिरर का सन का रिफ्लेक्शन मिरर से होते हुए सामने दीवार पे पड़ता है, वहां दीवार पे रोशनी हो जाती है, वैसे ही सन और मून में अपने खुद की लाइट नहीं है, सन और मून में जो लाइट है उसकी लाइट है, भगवान श्री कृष्ण के शरीर से बहुत सारी प्रकाश निकलता है, ज्योति निकलता है, तेजोमय भगवान है, बहुत तेज निकलता है, वो प्रकाश इस भौतिक जगत में आता है तो सूर्य और चंद्रमा पर पड़ता है, और उस सूर्य चंद्रमा का जो रिफ्लेक्शन होता है, मतलब कृष्ण के प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन सूर्य चंद्रमा पे पड़ता है, वो रिफ्लेक्शन हमें हमें आता है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है वो कृष्ण भगवान की शरीर की ज्योति है। तो एक्चुअली में हम लोग को जब भी सूर्य का प्रकाश पड़े, चंद्रमा का प्रकाश पड़े, तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि ये तो भगवान कृष्ण के शरीर की ज्योति है, जो सूर्य चंद्रमा के माध्यम से हम तक आ रही, इस प्रकार से हम कृष्ण को अनुभव कर सकते हैं। कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं ना, प्रभास्मि शशि सूर्ययो, मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, प्रकाशस्मि शशि सूर्ययो, मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, कृष्ण सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश है, ठीक है। तो अब सोचिए सूर्य चंद्रमा कितना सृष्टि के आरंभ के समय से ही प्रकाश दे रहा है, अभी तक कभी उसका प्रकाश कम नहीं हुआ कि चलो इतना समय से एनर्जी निकाल रहा है बाहर डाउन हो गया, वो डाउन नहीं हुआ है, और जब तक तो सृष्टि रहेगी तब तो डाउन भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सोर्स कौन है इसका, कृष्णा है, कृष्णा है, कृष्णा से अनलिमिटेड प्रकाश निकल रहा है, और ऐसे एक ब्रह्मांड का सूर्य प्रकाशित कर रहा है, और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, महाविष्णु के जब सांस छोड़ते हैं बुलबुले की तरह अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अनंत कोटि सूर्य हैं, और वो प्रकाश कर रहे हैं, और ये सब सूर्य को प्रकाश कहाँ से मिलना है, कृष्ण। तो सोचिए कृष्ण के शरीरों से कितना सारा प्रकाश निकलता होगा, ये सूर्य को तो हम अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते, आंखें हमारी बंद हो जाती है दोपहर के समय जब सूर्य पूरा पीक पर होता है, सोचिए कृष्ण को हम कैसे देख सकते हैं, जो सारे सूर्यों को प्रकाश दे रहे हैं, सारे सूर्यों के प्रकाश के स्रोत है, उन भगवान श्री कृष्ण को हम किस प्रकार से प्रकाश दे सकते हैं, वी कैन नॉट गिव ना, हम उनको तो अब हम कृष्ण कैसे देख पाएंगे, हमारी आंखें बंद हो जाएंगी। तो जो निराकारवादी होते हैं ना, वो सोचते हैं कि प्रकाश ही सब कुछ है, प्रकाश ही सब कुछ है, और प्रकाश की पूजा करने लग जाते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान ज्योति के स्वरूप में है, ज्योति के स्वरूप में है, निराकार का ध्यान लगाते हैं, निराकार का पूजा करने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि
उनको थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, उनको सोचना चाहिए जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश का स्रोत सूर्य है, उस प्रकार से निराकार का ज्योति का प्रकाश भी तो कहीं से आ रहा होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि अपने आप प्रकाश प्रकट हो गया है, उसका कोई सोर्स होगा प्रकाश का। तो सोर्स से जब जाएंगे पता करेंगे तो सोर्स में वो भगवान कृष्ण को पाएंगे। तो साफ साफ यहाँ पे हमारे आचार्य कह रहे हैं, ब्रह्म संहिता में कह रहे हैं कि जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान कृष्ण के शरीर से निकलने वाली ज्योति है। ब्रह्म ज्योति का सोर्स भगवान कृष्ण है। और गीता में भी कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मणो ही अहम प्रतिष्ठा हम, मैं ब्रह्म ज्योति की स्थापना करता हूँ। ब्रह्म ज्योति कृष्ण से निकलती है, तो हमें समझना चाहिए कि ब्रह्म ज्योति के सोर्स भगवान कृष्ण है। ब्रह्म ज्योति अपने आप में सब कुछ नहीं है, उसके पीछे कोई है जहां से ज्योति आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धिमान बनना चाहिए। इसलिए बोलते हैं ना, जो निराकारवादी है वो अभी स्पिरिचुअलिटी के स्कूल में केवल एडमिशन लिया है, जो लोग परमात्मा का ध्यान करते हैं वो थोड़ा सा प्राइमरी क्लास में आगे बढ़ गए हैं, और जो कृष्ण के भक्त बन गए उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है। ठीक है, वो बड़े लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं। जय भजा कृष्ण से बड़े चतुर, कृष्ण के भक्त काफी इंटेलिजेंट होते हैं, काफी बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, तो आगे बताते हैं रूप स्वामी, अतः वैष्णव संप्रदाय के सदस्य आध्यात्मिक सिद्धि की खोज करते हुए कभी भी ब्रह्म तेज में लीन नहीं होना चाहते। भक्त लोग कभी भी भगवान की ज्योति में लीन नहीं होना चाहते, कभी भी। उसको हमारे एक आचार्य हुए प्रबोधानंद सरस्वती, वो कहते हैं कैवल्यम नरकायते, जो ब्रह्म ज्योति मर्ज होना है वो तो लाइक नर के जैसा है, उसमें तो हमारा अस्तित्व खत्म सा होने लगता है कि हम कोई बस ज्योति के रूप में भगवान के साथ ऐड हो एक हो जाएंगे, उसमें हम कुछ सेवा कर ही नहीं पाएंगे, कोई आदान प्रदान कर ही नहीं पाएंगे, क्या फायदा है ना। तो वो कभी भक्त लोग नहीं चाहते कि वो भगवान की ज्योति में एक हो, उनको पता है कि इसमें कोई आदान प्रदान नहीं है। जैसे आप एक ऐसी जगह पे चले जाए, सब आप एक पार्टी में गए, आपको एक पार्टी में इनवाइट किया गया जहाँ है तो बहुत सारे लोग, लेकिन आपसे कोई बात नहीं कर रहा है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, सब एकदम शांति से बैठे हैं, और सब कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सब शांति से बैठे हैं, कोई नाच नहीं है, कोई गाना नहीं है, कोई खाना नहीं है, नाचना गाना खाना नहीं है, आप पार्टी में गए, आप एकदम बोर हो जाएंगे, भले कैसी पार्टी है ये, कोई किसी से बात नहीं करता, सब अपने में लग रहे हैं, और कोई डांसिंग नहीं हो रही, कोई सिंगिंग नहीं हो रही, कोई अच्छा खाना नहीं है, आप बोर होने लगेंगे, आप ऐसी पार्टी में नहीं जाना चाहेंगे। आप ऐसी पार्टी में जाएंगे जहाँ पे कोई कोई डांस हो, कोई सॉन्ग हो, खाना हो, अच्छा हो, लोग आपसे बात करे, आपसे प्रेम करे, ऐसी पार्टी में जाना चाहेंगे। तो ये जो ब्रह्म ज्योति है ना, ब्रह्म ज्योति में बहुत सारे जीवात्माएं जाते हैं निराकार वाले, लेकिन वो किसी से बातचीत नहीं करते, अपने में क्यों लगे रहते, अपने में ध्यान लगाएंगे, अपने टाइप में बस, अपने में हवा में उड़ते रहते हैं बस। जैसे धूल सूर्य के प्रकाश में देखते हैं ना, बहुत सारे छोटे 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 ध्यान से देखेंगे धूल उड़ते रहते हैं, और दूर से लगता है कि धूल और सूर्य एक का प्रकाश एक ही है, लेकिन एक नहीं होता, अलग अलग होता है, लेकिन अभी धूल बस उड़ता रहेगा, कोई एक्टिविटी नहीं है उसका। ठीक है, लेकिन भक्त लोग वो कृष्ण के साथ रहते हैं, असल एक्टिविटी करते हैं, वो कृष्ण की सेवा करेंगे, कृष्ण के साथ नाचेंगे, कृष्ण के साथ गाएंगे, कृष्ण के साथ खाएंगे, कृष्ण के साथ गैया चराएंगे, कृष्ण के साथ हंसी मजाक करेंगे, कृष्ण के साथ खेलेंगे। तो भक्त लोग बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं कृष्ण के साथ, कृष्ण भक्त लोग एक्टिविटी करते हैं, तो भक्त लोग ये चाहते हैं कि वो कृष्ण के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने में लगे रहे, कृष्ण के साथ आदान प्रदान करे, जैसे भक्त कृष्ण को खुश करे, कृष्ण भक्तों को खुश करे, आनंद बढ़ता है ना, इसमें आनंद बढ़ता है। जैसे जैसे कोई लड़का शादी क्यों करता है, क्यों करता है, क्योंकि उस सोचता है मैं अकेले हूँ, वाइफ आ जाएगी तो मैं ज्यादा खुश हो जाऊंगा, शादी कर लिया, ठीक है, दो लोग हो गए, खुशी बढ़ गई, कुछ साल तक साथ ही साथ में बोलते हैं कि अब तो ठीक है, काफी लंबा समय हो गया, कुछ बच्चे पैदा करते हैं, दोनों प्लान करते हैं बच्चे पैदा कर, क्यों बच्चे पैदा किया, और खुश होने के लिए, एक लड़का पैदा हो गया तो सोचते हैं अरे इतना समय से लड़का हो गया, इसकी एक बहन मिलाते हैं, ठीक है, एक लड़की पैदा कर, लड़की के लिए प्लानिंग करते, बहन भी आ गई, खुश हो जाते हैं, फिर बोलते हैं अच्छा हमारे बेटों की बेटी की शादी करा देते हैं, एक्सपेंशन करते हैं ना, विस्तार करते हैं फैमिली वाले, क्यों विस्तार कर रहे हैं, वाई वाई पीपल आर एक्सपेंडिंग, क्यों विस्तार हो रहा है, इसलिए विस्तार हो रहा है दैट इज क्योंकि आनंद चाहिए ना, आनंद चाहिए, अकेलापन में कोई आनंद नहीं है। आपको सबसे ज्यादा डिप्रेशन वाला व्यक्ति संसार में ढूंढना है, उसको ढूंढ लीजिए जो अकेला रहता है, वो सबसे हाईली डिप्रेस्ड है। मतलब आजकल देखिए सब लोग बड़े बड़े सोसाइटी में रहते हैं,
और सबके अच्छे अच्छे फ्लैट होते हैं, लेकिन एक फ्लैट वाले दूसरे फ्लैट वाले से कोई संबंध नहीं रखते, और कभी कभी लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, इस संसार में मेरा तो कोई नहीं है, मैं तो बहुत अकेले हूँ, डिप्रेशन में। डिप्रेशन में मैक्सिमम लोग आज वही जाते हैं ना जो अकेले रहते हैं, अकेले रहते हैं, जिनके साथ कोई फ्रेंड नहीं होता, जिनके साथ कोई डियर एंड नियर वंस का कोई किन्समैन नहीं होता, अच्छे रिलेटिव नहीं होते जिससे वो अपने मन का बात शेयर करे, घुट जाते हैं वो लोग और हाईली डिप्रेशन में आ जाते हैं, और कभी कभी तो डिप्रेशन में आके वो लोग सुसाइड वगैरह कर लेते हैं कि इस मुझे बोझ लग रहा है, जीवन बोझ लग रहा है, मेरे साथ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं है। तो इस हम मेटेरियल में देखते हैं कि लोग अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर पाते, लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो सोचिए स्पिरिचुअल लाइफ में कोई अकेले कैसे रह सकता है, स्पिरिचुअल लाइफ में तो हमें संग चाहिए ना, तो हम आनंद बढ़ेगा है ना। तो यहाँ पे इसलिए जो भक्त लोग होते हैं ना, कभी भी वो ब्रह्म ज्योति में नहीं मिलना चाहते, वो उसको नर की तरह देखते हैं, क्या है ये ब्रह्म ज्योति, इसमें मिल के क्या होगा, इसमें मिल के कोई भगवान से इंटरेक्शन नहीं हो रहा, कोई भक्तों के साथ इंटरेक्शन नहीं हो रहा, अपने अपने में सब लगे हैं, तो बोरियत होती है, और लोग यहाँ पे इच्छा करते हैं मुझे ऐसा नहीं रहना, फिर वो मेटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, फिर से जन्म होता है, और फिर वो फिर कृष्ण के भक्ति में आ जाते हैं फिर। तो यहाँ पे भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग कृष्ण को अपने आत्म साक्षात्कार का परम लक्ष्य मानते हैं, भक्त का लक्ष्य स्टार्टिंग से ही कृष्ण होता है। अब इसको और किसी भक्त को पूछिए ना आपको कहाँ जाना है, तुरंत बोलेगा मुझे तो गोलोक वृंदावन में जाना है, क्या करना है, कृष्ण के, कृष्ण की सेवा करनी है। बच्चा बच्चा भी पता है उसको कि मुझे गोलोक वृंदावन में जाना है, बच्चा भी जानता है कि उसको निराकार ज्योति में मर्ज नहीं होना, उसको ध्यानवाने लगाना परमात्मा का, 1000 साल ध्यान लगाए, टाइम ही नहीं हमारे पास 1000 साल तक हम ध्यान लगाए, हम सतयुग में ध्यान लगाते थे, हम तो वैसे कलयुग में, वी हैव लेस टाइम, बहुत सारे कार्य करना है, तो ध्यान कैसे लगाएंगे, ध्यान नहीं लगा सकते ना हम। तो कहते हैं इसलिए कृष्ण पर ब्रह्म कहलाते हैं, परमेश्वर कहलाते हैं, श्री अमनाचार्य इस प्रकार से स्तुति करते हैं, हे प्रभु मैं जानता हूं कि यह विराट ब्रह्मांड तथा इसके भीतर विराट देश एवं काल भौतिक तत्वों के 10 आवरणों से प्रच्छन्न है, और इनमें से प्रत्येक आवरण पहले वाले से 10 गुना बड़ा है प्रकृति। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा मेटेरियल वर्ल्ड है ना, वो आठ मेटेरियल वर्ल्ड आठ कवरिंग, हमारा घर में कवरिंग होता है ना दीवार का, दीवार के बाद फिर एक और दीवार होती है, रूम के बाद एक और दीवार होती है, ऐसे करके फिर चारों तरफ से बाउंड्री वाल उठवाते हैं। तो ऐसे मेटेरियल वर्ल्ड में ना आठ वॉल है, और एक वॉल दूसरे वॉल से 8-10 गुना बड़ा है, उसके बाद वो दूसरे सेकेंड वॉल अपने पहले वाले से 10 गुना बड़ा है, वह कैसे कैसे वायु आकाश जल पृथ्वी अग्नि मन बुद्धि अहंकार, ये 8 वॉल है, और एक वॉल दूसरे वॉल से 10 गुना बड़ा है। तो इस वर्ल्ड को क्रॉस करना एक्चुअली बहुत मुश्किल है, ठीक है, बट भक्ति से क्रॉस किया जा सकता है, आसानी से भक्ति से हम इस मेटेरियल वर्ल्ड को क्रॉस कर सकते हैं वेरी इजिली। तो प्रकृति के तीनों गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, गर्भोदकशायी विष्णु क्षीरोदकशायी विष्णु महाविष्णु तथा उनके परे आध्यात्मिक आकाश तथा वैकुंठ और उसमें ब्रह्म ज्योति, ये सब मिलके आपकी शक्ति के लघु प्रदर्शन मात्र हैं। तो कृष्णा सोर्स ऑफ एवरीथिंग, कृष्णा इज सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, कृष्णा इज सोर्स ऑफ मेटेरियल वर्ल्ड, कृष्णा इज सोर्स ऑफ ऑल प्रकृति नेचर, नेचर के तीन ये जो मोड्स है, और कृष्णा सारे विष्णुओं के सोर्स है जो मेटेरियल वर्ल्ड को मेंटेन कर रहे हैं। तो कृष्णा इज सोर्स ऑफ एवरीथिंग, कृष्णा की शक्ति से सब कुछ हो रहा है, एक छोटी सी शक्ति से हो रहा है कृष्ण के, एक स्मॉल प्रेगनेंस, छोटी सी शक्ति से पूरा ब्रह्मांड मेंटेन हो रहा है। तो ये वो सारे भक्त लोग ना कृष्ण को अपना सोर्स बनाते हैं डायरेक्ट। जैसे एक बार एक अनाउंसमेंट किया गया एक राजा ने कि अगले 5 मिनट में मेरे महल में जो भी लोग जिस चीज को छू लेंगे ना वो चीज उनका हो जाएगा। सब लोग सोच के अरे वाह, सब लोग दौड़ने लगे, भागने लगे महल में, बिल्कुल भागम भाग मच गया, सब लोग कीमती चीजों को छूना चाह रहे थे, कोई सोने का सिंहासन छू रहा है, कोई सोने का खंबा छू रहा है, कोई खजाने की तरफ भागा, खजाने को छुआ, कोई महल को छू रहा है, ऐसे करके सब लोग छू रहे थे 5 मिनट में, कि राजा ने बोला है जो छू लोगे तुम्हारा हो जाएगा। एक छोटी सी लड़की थी वो राजा की तरफ बढ़ती है और सीढ़ी 1 2 3 4 5 ऐसे करके राजा को छू लेती है, और राजा खुश होता है, राजा बोलता है ये लड़की तो बहुत बुद्धिमान है, इसने तो मुझे छू लिया 5 मिनट के अंदर, मैं राजा हूँ, मैं इसका हो गया, तो मतलब मेरा पूरा बिलोंगिंग्स, मेरा पूरा राज्य इसका हो गया। तो भक्त लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं, भक्त लोग बहुत सारी चीजों में ना पड़ के वो डायरेक्ट कृष्ण को छू लेते हैं, डिवोटीज टच कृष्णा, वो कृष्ण को स्पर्श करते हैं।
और कृष्णा उनके हो गए, सब कुछ कृष्ण सब कुछ भक्त का हो जाता है, सब कुछ है ना। तो फिर ये तो था सच्चिदानंद विग्रह कि कृष्ण का रूप दिव्य है, कृष्ण का हमारे जैसा भौतिक रूप नहीं है, हमारे जैसा भौतिक कृष्ण का शरीर नहीं है। अगला कृष्ण का जो रूप है, अगला कृष्ण का जो क्वालिटी है, वो है समस्त योग सिद्धियों से युक्त। तो 8 प्रकार की योग सिद्धियां होती हैं, अरिमा, महिमा, लघिमा, इशिता, वशिता, प्राप्ति, प्राकाम्य और काम वसाहिता। ये 8 सिद्धियां होती हैं, 9 निधियां होती हैं। तो जैसे माता सीता, जब हनुमान जी गए थे माता सीता को अशोक वाटिका में ढूंढना था, और राम जी की मुद्रिका, राम जी की अंगूठी दिए थे, सीता देवी बहुत खुश हो गई थी कि चलो कोई तो मुझे आया जो मुझे बहुत दुख से बाहर निकाला, तो राम जी के संदेशा सुनाया। तो सीता देवी ने हनुमान जी को वरदान दिया था, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अजबर दीन जानकी माता, हे भक्त हनुमान तुम्हारे पास आज से सारी सिद्धियां होंगी और 9 निधियां होंगी, और तुम जिसको भी चाहो ये सिद्धियां दे सकते हो। ठीक है, तो भक्त के पास सारी सिद्धियां होती हैं। सिद्धियां होती क्या है? अरिमा, महिमा, लघिमा इत्यादि। जैसे आप अपने आप को बहुत हल्का कर सकते हो कि आप पानी में चल लोगे, आप हवा में उड़ने लगोगे, आप अपने आप को बहुत भारी बना सकते हो, बहुत बड़ा आकार, जैसे हनुमान जी बहुत बड़े हो जाते थे, बहुत बड़ा कर सकते हो जितना आपकी मर्जी होगा। और आप एक स्थान में बैठे हो, अपना हाथ बढ़ा के दूर किसी स्थान की वस्तु को ला सकते हो। जैसे यहाँ हम भारत में बैठे हैं, हम अमेरिका में चले गए, अमेरिका में हाथ बढ़ा के कुछ वहां से उठा के भारत ले आए, ऐसे हम जादू से कुछ कुछ भी प्रकट कर सकते हैं, कुछ सोना, कुछ फल, कुछ भी हमारी जो इच्छा है हम जादू से उसको प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, हम अग्नि से बाहर निकल सकते हैं, तो कुछ भी ऐसा जादू, मतलब किसी को हम वश में कर सकते हैं, वशीकरण है ना, हिप्नोटाइज, अपने अकॉर्डिंग कार्य करा सकते हैं, हम किसी ग्रह का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी सिद्धियां, एक्चुअली बहुत सारी सिद्धियां, ये जो बाबा जी लोग होते हैं ना जो थोड़ा सा चमत्कार दिखाते हैं, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो एक बार ऐसा ही हुआ, एक गांव का किसान किसान था, और किसान ने खूब, उसने 20 साल तक गांव से बाहर रहा, जंगल में गया, तपस्या करी, और उसके बाद सबको गांव में आया 20 साल बाद, और पानी भी चल रहा था, सब लोग देख के खुश हो गए, अरे पानी भी चल रहा है, पानी भी चल रहा है, बहुत बड़ा बाबा है, बहुत बड़ा बाबा है, सब आकर्षित हो गए उसको देख देख के। तो एक गाँव में एक बूढ़ा व्यक्ति था, बोला अरे ये पानी भी चल रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने बोला कि एक नाव वाले को बुलाया, बोला अरे नाव वाले मुझे ना नदी पार उस पार ले जाओ, नदी के इस पार करा दो। नाव वाले को 2 पैसा दिया, 2 पैसे में नदी के उस पार हो गया, नदी के इस पार से वापस भी आ गया। तो लोगों को बूढ़ा आदमी बोला आप लोग इसी इतना आकर्षित क्यों हो रहे हो, इसने जो सीखा है वो तो 2 पैसे का चीज है, वो तो तुम नाव पे भी पानी पे चल सकते हो। जो 20 साल इसने बर्बाद किया, तपस्या किया, शक्ति पाया और हल्का हो गया है, पानी पे चल रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो नाव से भी चल रहे हो, तो 2 पैसे का इसने 20 साल लगा के 2 पैसे का काम सीखा है इसमें। तो सिद्धियां एक्चुअली बहुत छोटी चीज है ना। तो भक्त लोग सिद्धियों के पीछे नहीं भागते हैं, भक्त लोग तो योगेश्वर के पीछे भागते हैं, जो सारी सिद्धियां जिनसे निकलती हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण, उनके पीछे भागते हैं एक्चुअली। और भक्त लोग के पास वास्तव में सारी सिद्धियां होती हैं। भक्त लोग जैसे किसी का मन, माइंड रीड करना, किसी के भी मन को पढ़ सकते हैं, है ना, शुद्ध भक्त जैसे प्रभुपाद जी, सब पता चल जाता है सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है, जान जाते थे। भक्त लोग फ्यूचर देख सकते हैं किसी का, पास्ट देख सकते हैं कि लास्ट में क्या किया था इसने ये, और लास्ट बर्थ में क्या किया था, और उसके पहले क्या था ये, ठीक, इस जन्म में क्या किया है, इसके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, फ्यूचर में क्या होगा, सब कुछ देख सकते हैं भक्त लोग, है ना। तो लेकिन भक्तों को भी दिखाते नहीं है कि उनको सब कुछ पता होता है भक्तों के, है ना, नहीं तो लोग उनसे अगर जो चमत्कार दिखा के आकर्षित हुआ ना, इसका मतलब ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। तो भक्त लोग चमत्कार दिखाते नहीं है, भक्त लोग तो बस शुद्ध भक्ति ज्ञान, कृष्ण के बारे में सही से ज्ञान देंगे और शुद्ध भक्ति कैसे आकर्षित करना चाहेंगे। ठीक है, जो चमत्कार दिखा के जो एक आकर्षण हो, वो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग नहीं आते, लेकिन इस्कॉन में देखिए जो भी लोग आते हैं दे आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत बुद्धिमान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों के लॉजिक से कृष्ण के पास आते हैं, अंधा अंधे होके नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कृष्ण जो है सारे सिद्धियों के, 8 सिद्धि 9 निधियों के सोर्स हैं। ठीक है, तो ये 55 गुण हमने कवर किया जो भगवान विष्णु में, और सॉरी 51 से 55 गुण ये कृष्ण में, विष्णु में, राम जी में तो पाए जाते हैं, लेकिन शिव जी और ब्रह्मा जी में भी कुछ कुछ मात्रा में कभी कभी पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।